Hello children, welcome to Gayatri English Medium School, Sachur. Today we will read chapter 3 of class 4th EBS. That is, how can I know? How can I know? Means, मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखते हैं क्या पता करना है. इस चैप्टर में आप कन्वर्जेशन पढ़ोगे. तो एक उसमें दादाजी है जो कि आँखों से देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड है, अंधे हैं, और उनकी डॉटर इन लॉ, बेटे की पत्नी, बहू, और उनके ग्रैंडसन. ग्रैंडसन मींस होता है पोता, और उसका नाम क्या है? सोनू. ओके, लेट सी व्हाट कन्वर्जेशन हैपन्स बिटवीन दादाजी, डॉटर इन लॉ एंड सोनू. दादाजी कहते हैं बहू, I am going to yoga camp. Yoga shivir. Okay? Yoga camp means yoga shivir. तो दादाजी कह रहे हैं कि बहू, मैं योगा कैंप में जा रहा हूँ. Daughter in law. फिर daughter in law मतलब बेटे की पत्नी, बहू बोल रही है, दादाजी do not go alone. दादाजी डू नॉट गो अलोन, आप अकेले मत जाओ. टेक अलोंग सोनू ऑल्सो. अलोंग मीन्स होता है साथ में, सोनू को भी साथ ले जाइए. फिर दादाजी कहते हैं फाइन फाइन सेंड सोनू. फाइन यानी ठीक है. सेंड सोनू में से ठीक है, सोनू को भेज दो. नो बाय लिसनिंग, सुनकर जानिए. दादाजी बोल रहे हैं, वेट बेटा, लेट मी बो इन द टेम्पल. वेट बेटा, रुको बेटा. टेम्पल यानी मंदिर. बो नमन करना, हाथ जोड़ना. तो दादाजी कह रहे हैं रुको बेटा, मंदिर में नमन हाथ जोड़ लूँ बाद में. सोनू कह रहा है दादाजी, हाउ डिड यू कम टू नो दैट वी हैव रीच टेम्पल. वो कह रहा है कि हाउ डिड यू कम टू नो, आपको कैसे पता चला दैट वी हैव रीच टेम्पल, कि हम मंदिर आ गए हैं. आपको कैसे पता चला कि हम मंदिर आ गए हैं? यू कैन नॉट सी, आपको तो दिखाई नहीं देता. Then Dadaji answered, I always walk through this path. Path यानी रास्ता, walk through मतलब इधर से निकलना. मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ. And then I also hear the bell, घंटी of the temple. फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है. बेटा, यू ऑल्सो क्लोज योर आइज. बेटा तुम भी आंखें बंद करो. कंसंट्रेट, ध्यान से सुनो. एंड लिसन, वी कैन आइडेंटिफाई, पहचानना. मैनी थिंग्स इवन विद क्लोज्ड आइज, हम आंखें बंद करके भी कई चीज़ों को पहचान सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, पिक्चर ऑन योर स्क्रीन. इस पिक्चर में मंदिर के बाहर दादाजी और उनका ग्रैंडसन पोता दिखाई दे रहा है. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज डिस्कस एंड टेल, चर्चा करो और बताओ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच बॉडी ऑर्गन इज नीडेड फॉर हियरिंग. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सेम. विच बॉडी ऑर्गन इज नीडेड फॉर हियरिंग. हियरिंग यानी होता है सुनना. ऑर्गन मीन्स होता है अंग. सुनने के लिए किस अंग की नीड, आवश्यकता होती है? वी नो दैट विच ऑर्गन, यस ईयर्स. एंड हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव, आपके पास कितने कान हैं? ऑफ कोर्स टू. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ सेम, आपको उसका चित्र बनाना है. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन,
What ear related problems can people have, like deposition of dirt in the ear, etc. लोगों को कान से related क्या क्या problems हो सकती है, like deposition of dirt in the ear, जैसे कान में मैल जमना, etc. तो कान से related problems बताओ. हाँ, कम सुनाई देना ये भी होता है, फिर बहरापन, कान में दर्द होना, कान से गंदा पानी निकलना, ये सब होता है ना. तो आंसर है, सम ईयर प्रॉब्लम्स विच पीपल फेस आर हियरिंग लॉस. हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना, ग्लू ईयर्स, कान से गंदा पानी बाहर निकलना, वैक्स प्रॉब्लम, कान के अंदर की गंदगी, ईयर इन्फेक्शन, ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अ फॉर्जन ऑब्जेक्ट इन द ईयर, बाहर से कुछ कान के अंदर घुस जाना, एट्सेट्रा. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द ईयर्स फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स. कान को हम इन सब प्रॉब्लम्स से कैसे बचा सकते हैं. दीज फॉलोइंग स्टेप शुड बी यूज्ड. कीप योर ईयर्स ड्राई. कानों को हमेशा ड्राई, सूखा रखें, पानी वगैरह अंदर नहीं आने देना. स्टॉप यूजिंग कॉटन स्वैब्स, ईयरबड्स बोल सकते हैं, इन योर ईयर्स. रुई का यूज कान के अंदर नहीं करना चाहिए. टर्न द वॉल्यूम डाउन. आवाज़ को हमेशा कम रखनी चाहिए, टीवी, स्पीकर, मोबाइल्स की आवाज़ कम होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ दीज विच प्रॉब्लम्स मस्ट बी फेसिंग. दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो आंसर है, कैन नॉट वॉक ऑन द रोड अलोन. अकेले रोड पर नहीं चल पाते हैं. Can't read anything which we can. जो हम पढ़ सकते हैं वो नहीं पढ़ पाते. Cannot watch nature beauty. प्रकृति की सुंदरता भी नहीं देख पाते. Today we end our lecture here. Next topic of this chapter we will read in my next video. Thank you.